दोस्तों, आप साउथ इंडस्ट्री के रॉकी भाई यानी कि अभिनेता यश को तो जानते ही होंगे, जिन्होंने साउथ इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी हैं। तो वहीं बॉलीवुड के सुपरस्टार अक्षय कुमार भी अपनी फिल्मों में अपनी दमदार एक्टिंग, डायलॉगबाजी के साथ साथ अपने एक्शन भरे अंदाज से दर्शकों को दीवाना बना चुके हैं। तभी तो दर्शक इन दोनों अभिनेताओं की फिल्मों को अपना खूब प्यार देते हैं। और आज अभिनेता यश और अक्षय कुमार दोनों ही अमीरी और फैन फॉलोइंग के मामले में काफी ज्यादा आगे निकल गए हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अभिनेता यश और अक्षय कुमार में से कौन है ज्यादा अमीर, किसके हैं ज्यादा फैन? नहीं जानते तो कोई बात नहीं, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको इनमें कंपैरिजन करके बताएंगे कि इन दोनों अभिनेताओं में से कौन है ज्यादा अमीर और किसकी है ज्यादा फैन फॉलोइंग। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं और रूबरू होते हैं इन दोनों अभिनेताओं की अमीरी और फैन फॉलोइंग से। सबसे पहले बात करते हैं साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार रॉकी भाई यानी कि अभिनेता यश के बारे में, जिन्होंने साउथ इंडस्ट्री में जानू, केजीएफ चैप्टर 2 और रॉकी जैसी कई सुपरहिट फिल्में दी हैं। अभी तो अभिनेता यश किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है और इसलिए आज इनकी नेटवर्थ 153 करोड़ रुपए है, जिससे इनका बेंगलोर में काफी आलीशान और खूबसूरत बंगला है, जिसमें कई सारे कमरों के साथ एक शानदार लिविंग रूम है, जिसे इन्होंने ढेरों पेंटिंग्स, झूमर और तांबे की मूर्तियों और डेकोरेटिव पीसेस से सजा रखा है, जिसके चलते इनके घर की कीमत करीब 6 करोड़ बताई जाती है। घर के बाद बात करें इनकी लग्जरियस लाइफस्टाइल की, तो बता दें यश अपनी लाइफस्टाइल को कंप्लीट करने के लिए पानी की तरह पैसा बहा देते हैं। जी हाँ, यश अपनी पर्सनैलिटी में 4 चांद लगाने के लिए राल्फ लॉरेन और गुच्ची और अरमानी जैसे ब्रांड के कपड़े पहनते हैं, जिसकी नॉर्मल टी शर्ट और पैंट ही ये 50 से 60 हजार रुपए खर्च कर देते हैं। साथ ही इनके पास फुटवेयर का भी काफी बड़ा कलेक्शन है। इनके पास बर्बरी और गुच्ची जैसे ब्रांड के कई शूज हैं, जिसकी कीमत 70 हजार से ऊपर ही बताई जाती है। वहीं इन्हें परफ्यूम का भी काफी शौक है, इसलिए ये ह्यूगो बॉस और बुल्गारी जैसे ब्रांड के परफ्यूम पर 20 हजार रुपए खर्च कर देते हैं। वहीं बात करें इनके कार कलेक्शन की, तो इनके पास मर्सिडीज बेंज DLC 350D, मर्सिडीज बेंज ब्रांड और ऑडी Q7 जैसी कई महंगी महंगी गाड़ियां हैं। बात करें इनके पॉपुलैरिटी की, तो बता दें यश के इंस्टाग्राम पर आज 9 मिलियन फॉलोअर्स हैं। अब बात करते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री के खिलाड़ी कुमार यानी कि अभिनेता अक्षय कुमार के बारे में, जिन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में धड़कन, मोहरा और हेरा फेरी जैसी कई सुपरहिट फिल्में दी हैं और आज ये बॉलीवुड इंडस्ट्री के सुपरस्टार बन गए हैं, जिनकी टोटल नेटवर्थ 2050 करोड़ रुपए है, जिससे इनका मुंबई के जुहू में 80 करोड़ रुपए का आलीशान बंगला है, जिसमें इन्होंने हर एक चीज की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई है और घर का आउटलुक भी कुछ कम नहीं है, जिसका लाइट क्रीम कलर तो इनके घर की खूबसूरती में 4 चांद लगा देता है। साथ ही अभिनेता अक्षय कुमार काफी ज्यादा हाई स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल जीना पसंद करते हैं, जिनके एक जींस और टी शर्ट की कीमत 80 हजार से ऊपर ही बताई जाती है। जी हाँ, इनके पास अरमानी और फैंडी जैसे काफी ब्रांडेड और स्टाइलिश कपड़े होते हैं। तो वहीं ड्रेसेस के अलावा ये फुटवेयर के भी काफी शौकीन है, इसलिए तो इनके फुटवेयर कलेक्शन में 80 हजार की एवरलेन जैसे ब्रांड के शूज से लेकर 90 हजार के H&M जैसे ब्रांड के स्पोर्ट्स शूज शामिल हैं। इसी के साथ ये अपने लुक्स को कंप्लीट करने के लिए और परफेक्ट बनाने के लिए रिस्ट वॉच का भी काफी अच्छा और बड़ा कलेक्शन रखते हैं। जी हाँ, इनके पास रोलेक्स और फॉसिल जैसे ब्रांड की रिस्ट वॉच होती है, जिसकी कीमत लाखों से ऊपर ही बताई जाती है। बात करें इनके कार कलेक्शन की, तो इनके पास होंडा CRV, रेंज रोवर वॉग और जीप कंपास जैसी कई महंगी महंगी गाड़ियां हैं, जिसकी कीमत करोड़ों में बताई जाती हैं। बात करें इनकी पॉपुलैरिटी की, तो बता दें इनके इंस्टाग्राम पर 61.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं। वेल, इस कंपैरिजन से तो आपको अंदाजा लग ही गया होगा कि इन दोनों में से किसके पास है ज्यादा प्रॉपर्टी और किसके पास है ज्यादा पॉपुलैरिटी। जी हाँ, वो अभिनेता अक्षय कुमार ही है, जो की प्रॉपर्टी के मामले में अभिनेता यश से 4 कदम आगे निकल गए हैं और फैन फॉलोइंग के मामले में भी अभिनेता अक्षय कुमार अभिनेता यश से 4 कदम आगे ही हैं। तो दोस्तों, आप यश और अभिनेता अक्षय कुमार की प्रॉपर्टी और पॉपुलैरिटी के बारे में जानकर क्या कहना चाहेंगे? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही और तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।